हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक वाजपेयी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग यहां पर क्या करना है, सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमारा एक कोड लिखा हुआ है, ये हमारा रेफरल कोड है। रेफरल कोड का इस्तेमाल आप लोग कहां पर करेंगे, अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको आलोक सर 10 कोड का इस्तेमाल करना है। आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स सब जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आलोक सर 10 कोड का इस्तेमाल करिए और आप लोगों को ये कोड लगाने से 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन की खासियत क्या है कि जब भी आप किसी एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें उसके सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा केवल एक सब्जेक्ट को लेकर के आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, पूरा कोर्स पूरी की पूरी तैयारी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, यानी कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, ये तो बात रही हमारी एक का सब्सक्रिप्शन को लेकर के जो हम आपको रेगुलर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द कौन से हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द कौन से हैं। शब्द के मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर शब्द नहीं दिया गया, यहाँ पर वर्ण दिया गया है। वर्ण के मतलब क्या हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। तो वर्ण के बारे में बताना है आपको, ध्वनि कौन सी है या वर्ण कौन से हैं। कंठ में और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, ए हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ हैं, खा छा ठा है या का चा रा है। देखो कठिन है थोड़ा सा प्रश्न, इसका सही आंसर बच्चे क्या है, सही आंसर है ए और ए। जब भी हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्वर के ऊपर आते हैं। स्वर में हम लोग पढ़ते हैं भाई, एक ह्रस्व स्वर है छोटा स्वर, दूसरा हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर है यानी कि बड़ा स्वर, फिर हम लोग कह देते हैं तीसरा हो जाता है प्लुत। तीन तरीके के स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या हम लोग कहते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला रे। तो कितनी संख्या हो जाती है, चार। उसके बाद बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ा ई, बड़ी, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, सात संख्या हो जाती है। प्लुत की कोई संख्या नहीं है, इसका एक निशान है जिस निशान को हम लोग कहते हैं, ये वाला निशान। आपको ओम लिखते हो ना, तो ओम में क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, तो ये आपका प्लुत स्वर का निशान हो गया। तो कुल मिलाकर के स्वर कितने हो गए आपके, 11 हो गए। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है बच्चे। स्वर याद हो गए आपको, यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में जब भी कभी वर्णमाला की बात होती है तो हमेशा ये वर्ग जरूर याद रखिए, काचा टा ता पा, ये आपके जो वर्ग हैं। ये हम लोग जब स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, किसकी बच्चे, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, तो इस स्पर्श व्यंजन में आपके ये वर्ग आते हैं, काचा टा ता पा। ठीक है, का से का ख ग घ ङ, चा से च छ ज झ ञ, टा से ट ठ ड ढ ण, ता से त थ द ध न, पा से प फ ब भ म। ठीक है, ये आपके हर एक जगह पर वर्णमाला में काम आएंगे, चाहे अल्पप्राण पढ़ो चाहे महाप्राण पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, ये घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण ये हर जगह पर काचा ट तपा याद आएंगे। ये स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो ये पांचों वर्ग को याद रखना। क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दंत व्यंजन कौन से वर्ग से संबंधित है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। देखो बहुत आसानी से समझना है, का से का वर्ग होता है और का से कंठ होता है। ठीक है, ये आपको इजीली याद हो गया। फिर हम लोग कहते हैं दांत लिखते हैं ना, तो दांत में ता बाद में आता है, तो याद रखिएगा ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सब दंत व्यंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दंत व्यंजन। फिर ओष्ठ लिखते हो ना, ओष्ठ, कभी ये पापा बोल के देखिए, पापा होठ आपस में स्पर्श करते हैं, फूफा बोलोगे तो होठ आपस में स्पर्श करते, नहीं तो बोलते रहोगे अ अ, पापा नहीं निकलेगा, उवा उवा बोलते रहोगे, फूफा जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं निकल के आएगा। होठ आपस में स्पर्श जरूर करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये सब पावर के हो जाएंगे, ओष्ठ वाले। ठीक है, तो पावर के आपके ओष्ठ वाले हो गए, तावर के दांत वाले हो गए, कावर के कंठ वाले हो गए। यहाँ पर देखिए दंत ही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तावर के आपके दंत व्यंजन हो गए। बात समझ में आ गई, यहाँ तक एक बार समझ में आया हो तो एक बार थम्सअप करोगे बच्चे, क्लियर हुआ है तो एक बार थम्सअप करोगे। आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध शब्दों को पहचानना, शुद्ध को नहीं पहचानना, अशुद्ध को। ये लिखा हुआ शमशान, देखो शमशान ये पूरा बना हुआ है, ये गलत है। जब भी हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं,
शमशान ये होता है शुद्ध, ठीक है। संग्राहित, ये लिखा हुआ है संग्राहित, संग्राहित आपको शुद्ध लग रहा है क्या? बिल्कुल, संग्राहित कहेंगे, संग्राहित कहेंगे या संग्रहित कहेंगे, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी गलत है। संग्रहित होगा, संग्रहित होगा तो सही होगा, ये भी गलत अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अर्थात जब भी हलंत लगा होगा तभी शुद्ध होगा, ये भी गलत हो गया। कैलाश, कैलाश भी देखो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत होता है। कैलाश जब लिखा जाता है तो ये वाला सलगम वाला नहीं, सरौता वाला सा बनता है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। इसमें आप लोग कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं, याद रखना है ये वाला जो है ये आपका शुद्ध है, ये वाला अशुद्ध है। अहिल्या, अब आप लिखते हो अहिल्या, अहिल्या ऐसे लिखते हैं ना, ये गलत होता है। शुद्ध आपका मालूम क्या है? अहल्या। अब आप कहेंगे सर हमने तो ये पहली बार पढ़ा है, तो बच्चे पहली बार पढ़ा है तो सही पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये आपका शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। क्वेश्चन में पूछा गया अशुद्ध, तो आंसर क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर प्रश्न में देख लीजिए 1, 2, 3, 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है। बात समझ में आ गई तो एक बार थम्सअप करोगे और सेशन को शेयर करोगे। बात समझ में आ गई बच्चे तो सेशन को शेयर करोगे, एक बार थम्सअप करोगे, ठीक है बच्चे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर तद्भव शब्दों को पहचानना है। हमने आपको बताया है, देखो बच्चे जब भी तत्सम की बात आए या जब भी तद्भव की बात आए तो घबराना नहीं है। अगर आपको किसी भी शब्द में संस्कृत का समावेश दिख रहा है, यानी कि वो शब्द आपको संस्कृत से मिलता जुलता दिख रहा है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है तत्सम। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी शब्द बोलें, चाहे हम कहें थाली, चाहे हम कहें प्यास, चाहे हम कहें भाई, चाहे हम कहें बहन, चाहे हम कहें माँ, चाहे हम कहें पिता, ये सब के सब डेली बोलचाल भाषा में नियमित हम लोग जो भाषा में शब्द बोलते हैं वो सब के सब आपके तद्भव हैं। हम लोग जब रामायण महाभारत देखते हैं तो क्या तात आ गया, तात, वत्स, ये शब्द आपके तत्सम होते थे। क्योंकि याद रखिए तत्सम शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए और तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए, लेकिन जो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए ये हिंदी शब्दावली में एज इट इज ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए गए, इनमें हिंदी शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो तत्सम। लेकिन तद्भव भी ये भी संस्कृत से लिए गए, कहाँ से लिए गए बच्चे? संस्कृत से। लेकिन जब ये हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो इनमें रूप परिवर्तन हो गया, तो ये आपके तद्भव शब्द कहलाए। बात समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दोगे और लाइक करोगे, जल्दी से थम्सअप कर दोगे भाई सारे के सारे लोग। तो यहाँ पर देखो ये तत्सम तद्भव की बात समझ में आ गई। अब देखो ना ही कुछ हमको लग रहा है ना संस्कृत जैसा, जब हम नहीं लिखते हैं तो ये तद्भव होता है, नहीं लिखते हैं तो ये आपका तद्भव होता है, इसका क्या हो गया? तत्सम। ना ही पूछा गया है तद्भव, तो ये आंसर नहीं होगा। हीरा लिखते हैं ना, हीरा, हीरा तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? हीरक, ये भी आंसर नहीं क्योंकि तत्सम है। भरत भी तत्सम है, वीणा भी तत्सम है, त्योहार, ये आपका तद्भव शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है बच्चे तिथिवार होता है। क्या होता है? तिथिवार होता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर तद्भव शब्दों को पहचानना था, तो तद्भव शब्दों को पहचानने की अगर बातचीत आएगी तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं केवल एक ही आपको तद्भव दिख रहा है और वो है आपका केवल 5, यानी कि त्योहार तद्भव है, बाकी ये सब के सब आपके तत्सम है। 1, 2, 3, 4 ऑल आर तत्सम शब्द। समझ में आया? थम्सअप कर दोगे, सेशन को शेयर कर दोगे, जल्दी से बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शब्द विलोम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। महात्मा, महात्मा की आप बात करेंगे महान आत्मा निकल रहा है ना, महान आत्मा, यानी कि जिस व्यक्ति की आत्मा महान है। दुरात्मा के मतलब, दुरा का मतलब क्या होता है? बुरी आत्मा, बुरी आत्मा, तो ये हो गया, यानी कि ये मिला हुआ है, सही है, इसका विलोम ये होता है। सत्याग्रह, हम लोग जानते हैं ना गांधी जी ने क्या किया? सत्य के लिए आग्रह किया, हमेशा गांधी जी ने क्या किया बच्चे? सत्य के लिए आग्रह किया, तो ये सत्याग्रह हो गया। फिर हम लोग कहते हैं दुराग्रह, बुरी वस्तुओं के लिए, क्या हो जाएगा? बुरी चीज़ों के लिए या बुरी वस्तुओं के लिए, बुरी मांगों के लिए आग्रह, ये आपका क्या हो जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा, कहेंगे ये बहुत दुराग्रही है,
ये बहुत सत्याग्रही है, कहते हैं ना ये सत्याग्रही। कह दिया भाई 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो फटाक से आंसर आ गया विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। निकल के आया ना, तो हमने क्या कहा? सत्याग्रही थे। बात समझ में आ रही है बच्चे? अनंत, अनंत लिखा हुआ है, अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई था नहीं, अनंत है। आकाश क्या है? आकाश अनंत है, तो अनंत का आदि नहीं होगा, ठीक है। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, तो आदि का क्या हो जाएगा बच्चे? अंत हो जाएगा। अब अगर इसके सामने अंत लिखा होता तब हम कहते आदि सही है, तो यही वाला जोड़ा आपका गलत दिया गया है। अंत, अनंत का शांत हो सकता है, अनंत का आदि नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चे। बाकी तप का बिल्कुल तपस्वी बना है तप से, और भोग से भोगी बना है। लेकिन अगर कभी आपसे योगी का पूछा जाए तो योगी का भोगी हो जाएगा, और भोगी का पूछा जाए तो भोगी का योगी हो जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे? एक बार समझ में आई हो तो एक बार थम्स अप करोगे। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताइए, अगर कोई भी मन में प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा क्लियर हो गया होगा बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्रोध करने वाली स्त्री, देखिए सीधे लिखा हुआ है क्रोध करने वाली स्त्री है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अब देखो, क्रोध करने वाली स्त्रियाँ तो क्रोध करती हैं, यह आप सारे लोग जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, परिवार में, घर में। माँ ने भी हम लोगों को, आपको बहुत मारा, मारा मतलब समझते ना, अच्छे सेंस में, अच्छे सेंस में। अगर हम आप आज एक काबिल इंसान बने हुए हैं तो उस काबिल इंसान के पीछे कौन है? हमारे माता और पिता हैं, इनसे बड़ा कोई भी नहीं होता है, ये हमारे भगवान हैं। और बचपन में हमको बहुत मारा भी होगा, मार खाई होगी हमने इनसे, तो ये जो क्रोध आया होगा हमारे लिए अच्छा क्रोध होगा। भाई हमने कुछ गलती सताने की होगी तो ये तो अच्छा क्रोध है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो अच्छे और बुरे के सेंस में नहीं पूछा गया। क्रोध हमेशा बुरे के सेंस में होता है, हमेशा। गुस्सा अगर कहोगे, हमने कहा गुस्सा है भाई वो, तो गुस्सा हो सकता है कि ये आप व्यक्ति आपका हितैषी है, लेकिन आपने कुछ कह दिया, ये बात उसको हर्ट हो गई, तो वो थोड़ी देर के लिए नाराज हो गया, तो हम कहेंगे भैया गुस्सा ना हो यार, गुस्सा मत हो यार, बोलते हैं ना। लेकिन क्रोध कहते हैं ये बहुत क्रोधी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि परशुराम जो थे उनको बहुत गुस्सा नहीं आता था, क्रोध आता था, बहुत क्रोध आता था। और एक बार आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि परशुराम और पिता के बीच में एक बातचीत की तय हुई कि पिता ने कहा कि हम कुछ भी मांगेंगे तुम मना नहीं करोगे, तो परशुराम ने कहा ठीक है पिताजी, बिल्कुल नहीं मना करेंगे। और वो लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि अपनी माँ का सिर काट दो, तो ऐसा होता है कि परशुराम अपनी माँ का सिर काट देते हैं। फिर लेकिन एक बात ये भी उनके पिता से होती है कि बदले में परशुराम ने कहा था कि भाई हम भी जो कुछ मांगेंगे फिर आप भी नहीं मना करेंगे। तो परशुराम फिर थोड़ी देर बाद में बहुत विलाप करते हैं अपनी माता का सिर काटने के बाद में, क्योंकि एक आज्ञाकारी का वहाँ पर पालन किया। लेकिन उसके बाद में फिर जब वो बहुत परेशान होते हैं तो फिर वो अपने पिता से कहते हैं कि मेरी माँ का सर फिर से धड़ से जोड़ दिया जाए, तो माँ का सर फिर से उनके पिताजी जोड़ देते हैं। तो एक कहानी परशुराम के बारे में कही गई, परशुराम बहुत क्रोधी थे, ठीक है ना। तो क्रोध करने वाली जो स्त्री होती है वो भामिनी कहलाती है। और अगर कोई भी चीज़ भोग करने योग्य है, भोग के मतलब समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हो, तो खाना खाते हो तो खाना क्या हो गया आपका? खाद्य हो गया। हम मान लीजिए हम लोग कहते हैं घर में एसी लगा हुआ है तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम लोग कहते हैं एसी क्या है आपका? ठंडी हवा ले रहे हैं, तो आप भोग्य हो, यानी कि ये जो सुख है एसी का, जो ठंडी हवा का है, ये भोग रहे हैं तो ये भोग्य हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो हम भोग रहे हैं वो आपका भोग्य है। अच्छे कर्म करता है आदमी, अच्छा फल पाता है, तो कहेंगे भोग्य, अच्छे अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। बुरा कर्म करता है तो बुरे फल भोगता है। भूतों का ईश्वर क्या हो जाता है? भूतेश होता है भूतों का ईश्वर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो गया आपका? भामिनी। बात समझ में आ गई बच्चे? एक बार समझ में आई हो तो थम्स अप करोगे, सेशन को शेयर कर दोगे, थम्स अप करते चलोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो आप लोग बता सकते हो, यहाँ तक एनी डाउट एनी क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पूछा गया है शुद्ध वाक्य को पहचानना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें दही खट्टी है गलत है, अशुद्ध है। दही के साथ में हमेशा खट्टा होगा, ठीक है। वे वह लोग कहाँ जा रहे हैं? गलत हो जाएगा।
वे लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तब ये भी गलत हो गया। माली रोज पानी से पौधों को सींचता है, अरे भैया पानी से नहीं सींचेगा तो काय से सींचेगा, जल्दी से बताओ, पेट्रोल से सींचेगा या डीजल से सींचेगा? बिल्कुल, हमेशा पौधे जो हैं पानी से ही सींचे जाते हैं, तो इसीलिए इसमें जो पानी है ये अतिरिक्त लगा हुआ है, इसको हटा दो तो बाकी शुद्ध हो जाएगा। माली रोज पौधों को सींचता है, माली रोज पौधों को सींचता है कह दोगे तो शुद्ध हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी अशुद्ध वाक्य हो गया। बाप प्रातःकाल घूमने जाता है, ये सही है, अगर इसको हमको अशुद्ध करना हो तो हम क्या कर देंगे, बाप प्रातःकाल के समय, हम लिख देंगे बाप प्रातःकाल के समय घूमने जाता है तो अशुद्ध हो जाएगा, हम लिख देंगे बाप प्रातःकाल के समय घूमने जाता है तो ये अशुद्ध हो जाएगा, आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर और पूर्व का कोण, हमेशा याद रखिए ये चार प्रकार के कोण होते हैं, आग्नेय, ईशान, वायव्य, देवचतु, ठीक है। उत्तर और पूर्व बहुत शुभ माना जाता है, भगवान जब भी अपने घर में कोई परिवार में जब भगवान का जो आसन बनाता है वो हमेशा इसी एंगल पर बनाता है, पूजा पाठ कुछ भी करोगे इसी एंगल पर करते हैं, शुभ माना जाता है, ये ईशान कोण कहलाता है, ठीक है। अगर ये उत्तर पश्चिम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं ये वायव्य हो जाता है, फिर हम कहते हैं दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, आग्नेय हो गया, नेवचत्त हो गया, ईशान हो गया, वायव्य हो गया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप कर दोगे सारे के सारे लोग, अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तोता चश्म मुहावरे का अर्थ क्या है, तोता चश्म मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखिए तोता चश्म मुहावरे का अर्थ होता है स्नेह रहित, क्या होता है बच्चे, स्नेह रहित होना, ये तोता चश्म मुहावरे का अर्थ होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है, हमने आपको ये पहले ये क्वेश्चन एक बार कराया है, याद रखना है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चा छोटा है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई उसको किसी ने चॉकलेट दी, उसको किसी ने चॉकलेट दी तो चॉकलेट उसको दी तो वो उसकी गोद में चला गया, कोई खिलौना दे दिया, झुनझुना दे दिया, कुछ भी दे दिया, बहुत सारे खिलौने आते हैं तो जैसे खिलौना देखेगा लपकेगा उसकी तरफ तुरंत झपटेगा, होता है ना ऐसा, तो लपकेगा झपटेगा तो हम लोग कहते हैं भैया ये तो हमारी गोद से देखो कैसा तोता चश्मे, तोता चश्मे, अभी बच्चे को देखो बोध नहीं है, बच्चे को बोध नहीं है तो हम लोग कह जरूर देते हैं ये स्नेह रहित है, लेकिन बच्चे को बोध नहीं है, बच्चा तो बहुत स्नेही होता है। आप कभी बच्चे को, छोटे बच्चों को उछालिए, माता पिता उछालते हैं और बच्चा बहुत हंसता रहता है हवा में, क्यों हंसता रहता है, क्योंकि उसको पता है नीचे तो हमारे पिता हैं, वो तो हमको गोद में पकड़ ही लेंगे, विश्वास है ना बच्चे, तो इसलिए बच्चा कभी स्नेह रहित नहीं हो सकता है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल माध्यम से दिया। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हो, कोई व्यक्ति जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया और जब आपकी बारी आई तो उसने आपसे मुंह मोड़ लिया तो हम कहेंगे भैया ये तो बहुत स्नेह रहित है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बेपरवाह से कोई मतलब नहीं, चतुर से कोई मतलब नहीं, चालबाज से कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये स्नेह रहित हो गया। हिंदी के लिए किसके द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सुल्तानों के सात सुल्तानों का शासनकाल देखा, इनका जन्म पटियाली में हुआ, उत्तर प्रदेश के पटियाली में इनका जन्म हुआ। तुगलकनामा बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, तुगलकनामा इनकी रचना है, नूह सिफिर इनकी रचना है, किरान उस्सादेन इनकी रचना है। इनको भारत का तोता बोला जाता है, भारत का तोता किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गई बच्चे बात। चंदर बरदाई की रचना पूछी जाए तो पृथ्वी राजरासो क्या हो जाएगी, पृथ्वी राजरासो ये चंदर बरदाई की रचना हो जाएगी, ठीक है बच्चे। जगनिक की पूछी जाए तो अल्लाखंड, आल्हाखंड पूछी जाएगी तो ये जगनिक की रचना है, किसकी रचना है बच्चे, जगनिक की रचना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्धिमान शब्द, देखो ये बुद्धिमान किससे बना है, ध्यान देंगे ये बुद्धिमान बना है बच्चे बुद्धि से, किससे बना है, बुद्धि से, तो बुद्धि हो गई बच्चे विशेष और ये बुद्धिमान ये आपका विशेषण हो गया, क्या हो गया बच्चे, ये आपका विशेषण हो गया, तो आंसर क्या हो गया बच्चे, विशेषण इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि से बुद्धिमान बना है। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, वो आपका विशेष्य होता है, ये आपको हमने कई बार बताया भी है, समझाया भी है। अब देखिए आ गया जो मैं आपको कह रहा था, महाप्राण, महाप्राण याद रखना है हमेशा, दूसरा और चौथा वर्ग, हमने कोड आपको बताया था 24। अब देखो जो काचा टाता पा है, देखो यहीं से निकल के आएगा, काचा टाता पा,
इनका दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण इन सबका, वो महाप्राण कहलाएंगे। देखो का दूसरा क्या हो गया, खा। का चौथा क्या हो गया, का खा गा घा हो गया, यहाँ पर नहीं है। चा का दूसरा क्या हो गया, चा छा है। फिर देखिए टा का दूसरा क्या हो गया, टा ठा है। फिर देखिए ता का दूसरा, ता था है। फिर पा का दूसरा, पा फा है। तो आंसर क्या हो गया, हम चौथा भी बना सकते हैं इसका, यानी कि चौथे वर्ग का ऑप्शन में रख देते तो वो भी सही हो जाता। अब अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अगर कभी पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे यारा लावा, ये अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, क्या बचाना है, शुद्ध वाक्य को पहचानना है। शुद्ध वाक्य देखो, आप लोग अपने कपड़े ले जाइए, बेटी पराए घर का धन होती है, शादी में सभी वर्ग के लोग आए थे, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता है। गलत है, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता है। आप लोग अपने अपने कपड़े ले जाइए, अपने नहीं अपने अपने, क्योंकि अलग अलग ले जाएंगे ऐसा नहीं तुम हमारा कुर्ता लेके चले गए, तुम हमारी पैंट लेके चले गए, ऐसा थोड़े होगा। अपने नहीं ले जाना, अपने अपने, बहुत सारे लोगों के लिए बात की गई है तो प्रत्येक के लिए बात हो गई। बेटी पराए घर का धन होती है, तो बिल्कुल ये वाक्य आपका सही है। शादी में सभी वर्ग नहीं, सभी लोग आए थे, सभी वर्गों के लोग आए थे, ये हो सकता है। गांधी जी को भूला जा सकता है, भुलाया नहीं, तो ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। शुद्ध क्या हो गया, बेटी पराए घर का धन होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्दों को पहचानिए। देखो बुराई, जिसके लास्ट में बड़ी आया प्रत्यय, स्त्रीलिंग। अमीरी, जिसके लास्ट में बड़ी आया, स्त्रीलिंग। परिवार अगर पूछा जाएगा, ये पुल्लिंग, नेत्र पुल्लिंग, रोशनदान पुल्लिंग, तो ये आपके क्या हो गए बच्चे, ये पुल्लिंग हो गए, और पहला वाला, पहला और दूसरा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गए। तो सब सही उत्तर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म फरुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, अब देखिए, एक थे कैफी आजमी, कौन थे, कैफी आजमी, ये आपके कहाँ के थे, सबाना आजमी के पिताजी, और ये आपके आजमगढ़ के, तो इन्हीं के नाम पर एक ट्रेन भी चलती है जिसको हम लोग कहते हैं कैफियत एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, कैफियत एक्सप्रेस। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया बच्चे, प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया बच्चे, प्रयागराज इसका नाम हो गया है। प्रेमचंद की बात करेंगे तो बनारस के, तो प्रेमचंद जो थे इनका जन्म यहीं पर हुआ था, लमही में, तो हम लोग क्या कहते हैं, लमही में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना। बात समझ में आ रही है बच्चे, एक बार क्लियर करोगे, क्लियर हुआ भाई, एक बार क्लियर करोगे समझ में आ गया सारी की सारी चीज़ें। अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो बहुत आसान है कामदेव का पर्यायवाची, मदन, मनोज, मनमत, रतिपति, मकरध्वज, अनंग, मार, स्मार, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन पुष्प के ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अद्भुत अलाप के लेखक कौन है। याद रखिएगा, जिनको आचार्य की सबसे पहले उपाधि मिली, आचार्य की सबसे पहले उपाधि किसको मिलती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो इन्हीं के द्वारा अद्भुत अलाप लिखा है। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा लिखी है, चिंतामणि हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, तो सही उत्तर क्या हो गया बच्चे आपका, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अद्भुत अलाप लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सब की सब आपकी रचनाएं किसकी हो जाती है, जयशंकर प्रसाद की हो जाती हैं, लेकिन तारा जयशंकर प्रसाद की कोई भी रचना नहीं है। बात समझ में आई बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग बिल्कुल होशियार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द हो जाता है बच्चे अंकेक्षक। अंकों का होता है ना हेर फेर, हिसाब किताब में क्या होता है अंक, तो अंक का अक्षक, यानी कि अंक को जो संभाल के रख रहा है तो वो क्या हो गया यार, अंकेक्षक। खजांची नहीं होगा, मुनीम भी नहीं होगा, असम भी नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो अंकेक्षक सही उत्तर हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये आज के आपके क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब आप लोगों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना, 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई दिन रहेगा आपका संडे,
और इस दिन आप सभी लोगों को 10 AM पर हमसे जुड़ना है। कहाँ पर? अनएकेडमी पर। 4 आवर्स की नॉन स्टॉप क्लास है आपकी SSC की, CHSL, CGL, CPO, इन सारे एग्जाम को कवर करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ GS महामैराथन क्लास करंट अफेयर्स 4 आवर्स नॉन स्टॉप टाइम, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 बजे से, यानी कि 10 AM सुबह से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक, ठीक है। तो इस क्लास में जुड़ना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे देखिए हमारा एक प्रैक्टिस कोर्स आ चुका है, जो क्रैश कोर्स है CHSL, CGL एंड CPO के लिए। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इसमें इनरोलमेंट नहीं कराया है तो फटाफट इसमें इनरोलमेंट करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, आलोक सर 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये हमारा कोड रहा, आप लोगों को इससे 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, अगर अभी तक आपने वाईफाई स्टडीज़ के बैंक एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम, UGC नेट, CSIR नेट, इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बच्चे तुरंत इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे। इसका सब्सक्रिप्शन लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए कोरोना से, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, इसमें सावधानी ही आपका बचाव है। बढ़िया से रहिए, सुरक्षित जरूर रहना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।